वेलकम फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, जीरो लेवल गणित की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं इन्हीं बातों के साथ। आज देखेंगे कोण यानी कि एंगल। पिछली क्लास में इसकी एक क्लास हुई थी, आपने देखा होगा, जिसमें आपने ये डेफिनेशन वगैरह देख लिया था, कोण होता क्या है और कोण किसे कहते हैं, है ना, मतलब समझ लिया था। आज हमारा विशेष उद्देश्य है कि आपको ये बताया जाए कोण कितने प्रकार का होता है, व्हाट इज द काइंड्स ऑफ एंगल एंड उनकी डेफिनेशन और पहचान, जैसे न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। यदि कोई रेखा एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में क्या करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। मतलब ये रेखा है, अगर ये घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, पहले ये यहां से यहां तक जा रही थी, अब ये क्या हुई, बीच से मुड़ गई, इधर को चली गई, उधर को नहीं गई, तो क्या हुआ, ये देखिए एक सिरे को इसने स्थिर रखा, या फिर इसको आप ऐसे नहीं ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये कोई रेखा है, हमने इसका ये सिरा पकड़ के इसी में दबा दिया, अब ये सिरा इसको पकड़ क्या किया, ऐसे घुमा दिया यहां तक, मतलब यहां तक ऐसे ले आया, तो क्या हुआ, इतना घुमा ना, ये क्या हुआ, एंगल हुआ, कोण। जैसे देखिए कोण इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का, या फिर बहुत तरह के कोण हो सकते हैं, मतलब दो रेखाएं जहां पर एक दूसरे में घूम जाती है, मतलब वो कोण कहलाता है। इसे आप साधारण तरीके से समझ सकते हैं, बाकी डेफिनेशन आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कोण के प्रकार। देखिए कोण कितने प्रकार का होता है और उसे आप पहचानोगे कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए मित्रों, आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देने वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी और जिम्मेदारी दोनों होगी। देखिए कोण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको पहचानेंगे हम कैसे, अक्सर स्टडी के टाइम में, चाहे आप कोई भी कितना भी बड़ी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो ही जाता है। समकोण क्या होता है, इसको सब जानते हैं, जग जाहिर है, इसको छोटा सा बच्चा भी जानता है कि 90 अंश का कोण जो होता है वो समकोण होता है, लेकिन उसके नीचे चलते ही मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। न्यून कोण लगभग लोग जानते हैं, उसके बाद आता है अधिक कोण, अधिक कोण लगभग लोग जानते हैं, लेकिन उसके नीचे अगर चले जाए ऋजु कोण और बृहत कोण की बात करें, संपूर्ण कोण की, तो लगभग लोगों को कंफ्यूजन होती है। देखिए मैं आपको पहचान बता देता हूं, सिंपल सी बात है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। समकोण को इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल की पहचान और डेफिनेशन ये होती है कि वो कोण जो 90 अंश का होता है वो समकोण कहलाता है। अभी हम इसकी सबकी कहेंगे, आप तो लिख लिख के भी दिखा देंगे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। न्यून कोण या एक्यूट एंगल क्या होता है, वो कोण, देखिए अभी मैं एक एक का फिगर बनाऊंगा, फिगर बना के लिख के दिखाऊंगा, परेशान मत होइएगा, बस पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा, एक मिनट में। जो कोण 90 से छोटा होता है वो न्यून कोण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ये होता है कि 90 से तो ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, मतलब जैसे 110 अंश का कोण है, ये क्या है, अधिक कोण है। 120 अंश का कोण क्या है, ये अधिक कोण है। 170 अंश का कोण क्या है, अधिक कोण है, लेकिन अगर 190 अंश का हो गया तो, 190 अंश का हो गया तो ये अधिक कोण नहीं रहा, अब ये कोण बृहत कोण हो गया। क्या हो गया, बृहत कोण हो गया। बृहत कोण मीन्स रिफ्लेक्स एंगल बन गया। अब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल बन गया, मतलब 180 से 360 के बीच के जो कोण होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहत कोण कहलाते हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट गारंटी हमारी होगी, बस आप हमारे साथ शाम 7:30 बजे से हर दिन की क्लास देखें, लाइव देखें, कहीं मत जाए, देखते रहे। अगला अधिक कोण हो गया, आपने समझ लिया। ऋजु कोण, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट इंग्लिश का अगर वर्ड ले तो नाम से स्पष्ट हो जाता है, सीधा कोण, ये स्ट्रेट सीधा 180 अंश का कोण है, ये स्ट्रेट एंगल है, इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलेंगे तो ऋजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं, और इस पर सामान्यतः ऐसे 180 अंश लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है,
ऐसी स्थिति कब आती है जब दो 90 अंश के कोणों को मिलाते हैं तब 180 अंश बनता है। जैसे एक 90 अंश ये हुआ है ना, ये इतना क्या था 90 था, अब इसी को हमने एक बार और घुमा दिया इतना आया तो ये सीधा हो जाएगा। अब मतलब क्या हुआ, ये टोटल फाइनल में ये क्या बन गया 180, और इसलिए स्ट्रेट एंगल हो जाता है। समझ गए होंगे इसको भी आप बहुत अच्छे से। रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण पांचवा नंबर, इसको तो आप समझ ही गए हैं, 180 अंश से ज्यादा होना चाहिए और 360 अंश से कम होना चाहिए तो वो बृहत कोण कहलाता है। जैसे 210 अंश का कोण आप देखते होंगे रेखा गणित में मिलता है तो वो कौन सा एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। अगर 270 अंश के एंगल की बात करें तो 270, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, बृहत कोण है। समझ गए ना। तो कुछ विशेष कोणों के कुछ विशेष नाम होते हैं, जैसे सम कोण को राइट एंगल कहते हैं, ये 90 का ही होता है। अगर 180 की बात करें तो ये स्ट्रेट एंगल होता है, ऋजु कोण होता है, और कंप्लीट एंगल होता है 360 का जो होता है। बस ये विशेष कोण होते हैं, बाकी और जो है इनकी पहचान कैसे होती है, कम ज्यादा करके। 90 से कम है तो न्यून कोण, और 90 से अधिक है, 180 से कम है तो अधिक कोण, 180 से ज्यादा है, 360 से कम है तो बृहत कोण होता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आप समझ चुके हैं। अब हम इनको एक एक का फिगर आपको दिखा देते हैं, इनकी पहचान करवा देते हैं, इनका मुखड़ा दिखा देते हैं आपको। चलिए देखिए इनको बहुत ही गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और देखते रहिएगा। ये कोण कैसे समझेंगे आप, जो इस तरह का कोण होता है वो 90 अंश का कहलाता है, मतलब एकदम सीधा होता है वो 90 अंश कहलाता है, जिसे राइट एंगल बोलते हैं। दूसरा ये है न्यून कोण, क्योंकि ये 90 से कम है भाई, एकदम सीधा जाएगा तो 90 होगा, ये सीधा से थोड़ा सा अंदर झुक जा रहा है तो ये क्या हो गया, 90 से कम हो गया, न्यून कोण हो गया। अब बारी आती है अधिक कोण की, 90 एकदम सीधा होता है तो 90 होता है, और ये पीछे को झुक रहा है, 90 से ज्यादा हो रहा है, लेकिन 180 से कम है, क्योंकि 180 अगर पूरा यहां तक आएगा तो होगा, 180 से कम और 90 से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। अगला आता है स्ट्रेट एंगल, है ना, स्ट्रेट एंगल ये कौन सा है, जो 180 अंश का होता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अभी दो कोण यहां पर बचे हुए हैं, उनको भी मैं दिखा देता हूं। 10 मिनट में आप उतना कुछ सीख जाएंगे जितना आप 10 घंटे में भी नहीं सीख सकते, YouTube पर ऐसे खोजते रहेंगे। ये आप लोगों के प्यार और विश्वास के साथ बोल रहे हैं। तो PBR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लें, उसके बाद आगे देखते रहें, और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो अपनी इस भूल को सुधार लें कृपया, और तुरंत लाइक कर दें, बिल्कुल ना भूलें। देखिए बचे हुए दो कोण भी हमने आपको दिखा दिया, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, एंड कंप्लीट कोण, संपूर्ण एंगल भी आपने देख लिया। अब कैसे इनको पहचानते हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, डेफिनेशन भी आपने देख लिया। तो बृहत कोण, रिफ्लेक्स कोण इस तरह से बनता है जो 180 अंश से अधिक होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, सीधा सीधा 180 होता है, लेकिन इसमें कम समझ में आ रहा होगा तो आप इसको जानते हैं लगभग सभी, ये 90 होता है ना, लेकिन ये 90 होता है अगर ये ऐसे झुक जाता पीछे को तो क्या होता, ये 90 से ज्यादा हो गया, और अगर ये झुकता झुकता ऐसे और कम हो गया, धीरे धीरे एकदम सीधा हो गया, तो सीधा हो गया तो मतलब क्या हो गया, 180 हो गया, और ये सीधा होने के बाद और नीचे को सीधा हो रहा धीरे धीरे तो क्या होगा, 180 तो यहाँ था भाई सीधा में, नीचे को आ रहा मतलब 180 से भी ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बृहत कोण हो गया। और वो कोण जो है 90 अंश का था, सीधा था, तो अगर इधर झुका एक बार और एक बार में 90, दूसरे में 180, तीसरे में आया तो 170, और अगर चार बार घूम गया ये ना तो 360 एंगल हो गया। जैसे आपने सुना होगा कोई चीज जो चारों तरफ को ऐसे घूमता है उसे क्या बोलते हैं, कहते हैं 360 डिग्री घूमता है। 360 का मतलब इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, इधर भी देख सकता है, और इधर भी देख सकता है, इसका मतलब क्या होता है, 360 डिग्री, है ना। तो बस इतना ही था इसमें एंगल में, और आपको बता दें कि इसकी अगली क्लास जो होगी आपकी PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर होगी। तो PBR स्टडी ग्रुप चैनल के बारे में आप लगभग लोग जानते होंगे, अगर उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। और जो लोग इस क्लास को 7 दिन देख चुके हैं ना,
वो लोग कृपा क्लास को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि 7 दिन आप लोगों को ट्रायल क्लास दिया गया है। गणित सिखाने की पूरी 100% गारंटी वाली क्लास होती है ये, जीरो लेवल बेसिक गणित, ठीक है। और ज्वाइन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, 9793488 और 448 बहुत ही आसान नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप में क्या लिखना है, लिखना है ज्वाइन JLM, मतलब जीरो लेवल मैथ, इस पर आपको लिखना है ज्वाइन JLM और भेज देना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा और आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी, और आप गणित बहुत आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। चाहे आप 48 के हो गए हैं या 50 के हो गए, फिर भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, है ना। और तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है उतार नहीं, गिर उठ और भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार। कुछ लाइनें पुरानी होती हैं लेकिन उनके जज्बात कुछ नए होते हैं, चाहे जितनी बार बोलिए उतनी बार ही उतना ही उत्साह होता है। तो आज की क्लास फिलहाल खत्म हो चुकी है, इसलिए हम बोल रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, ढेर सारा धन्यवाद जो आपने इतना सारा टाइम में हमको देखते रहे, थैंक यू। एक बार फिर से इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर यूट्यूब पर सर्च करिएगा PBR स्टडी ग्रुप, क्योंकि आप इस समय जो क्लास देख रहे हो ये PBR स्टडी इलाहाबाद नामक चैनल पर चल रही है।